नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और दोपहर न्यूज के सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर 5 दिवसीय दीपोत्सव महापर्व की हो चुकी है शुरुआत। दीपोत्सव के दौरान घर बाहर और बाजार रहेंगे रोशन। बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़, सज उठा सराफा और बर्तन बाजार। धनतेरस के दिन इंदौर के रीगल तिराहे पर शिक्षकों ने मांगी भीख, डब्बा और हाथों में तख्तियां लेकर राह चलते वाहन चालकों से की गुहार। शिक्षकों को नहीं मिला है एरियर और वेतन। इसके पहले जिला शिक्षा अधिकारी को भी दे चुके हैं ज्ञापन और चेतावनी। सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपोत्सव महापर्व की 5 दिवसीय शुरुआत शुक्रवार को धनतेरस के दिन से हो चुकी है। इसके चलते बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। व्यापार जगत भी खेल उठा है। पूरे 5 दिनों तक घर के साथ बाजार भी रोशन रहेंगे। दीपावली यानी कि दीपोत्सव महापर्व, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को की गई। शुक्रवार को धनतेरस के महाअवसर पर बाजारों में खासी भीड़ रही। धनतेरस के अवसर पर कपड़ा बाजार में भी दुकानें सजी रही। हालांकि यहां ग्राहकी काफी कम नजर आ रही थी। इसी के साथ हार फूल, कील पताशे, फल फ्रूट, झाड़ू, गन्ना सहित अन्य दुकानें सैकड़ों की तादाद में जगह जगह दिखाई दे रही है। कपड़ा बाजार में इस बार कम ग्राहकी से व्यापारी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने दोपहर न्यूज के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की है। बताया धनतेरस है और क्या ग्राहकी आपको देखने को मिल रही शहर में? धनतेरस के हिसाब से ग्राहकी नहीं है, बिल्कुल ग्राहकी नहीं है धनतेरस। क्या क्यों नहीं है? आराम बिल्कुल, पैसा नहीं है बाजार में, गांव में सोयाबीन खराब हो गया, इसके कारण ग्राहकी। क्या सरकार कांग्रेस की इसको लेके या क्या वजह हो सकती है? दो ही कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने परेशान करके रखा है। मतलब एक व्यापारी परेशान है कांग्रेस, भाजपा से भी कांग्रेस से। क्यों क्यों परेशान है, क्या कारण है? GST लगा दी, बिल पक्के, ये वो। वहीं यदि बात की जाए इंदौर के हृदय स्थली इंदौर का दिल राजवाड़ा, तो यहां पर पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही थी। राजवाड़ा क्षेत्र में अहिल्या परिसर के चारों तरफ छोटी बड़ी कई दुकानें दिखाई दे रही थी। वहीं खरीदारों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। राजवाड़ा स्थित महालक्ष्मी मंदिर पर भी सुबह से ही भक्तों का मेला लगा रहा। कुल मिलाकर शुक्रवार को राजवाड़ा क्षेत्र पूरी तरह से रोशन रहा। राजवाड़ा के ठीक पीछे सराफा बाजार में भी काफी रौनक देखी गई। यहां ग्राहकों के स्वागत के लिए जगह जगह बंधनवार और स्वागत द्वार लगाए गए थे। वहीं नीचे जमीन पर कालीन बिछाई गई थी। सराफा बाजार और समीप के बर्तन बाजार को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था, लिहाजा यहां पैदल ही ग्राहक आना जाना कर रहे थे। सराफा बाजार के निकट बर्तन बाजार में भी खासी भीड़ देखी गई। धनतेरस के दिन प्रत्येक परिवार अपने यहां एक दो नए बर्तन खरीदकर जरूर ले जाता है, जिसे वह पूजा में शामिल करता है। बर्तन बाजार की सजावट धनतेरस के दिन देखते ही बनती थी। इंदौर बर्तन बाजार व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि जैसा कि अपेक्षा थी, अच्छी ग्राहकी हो उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया ग्राहकी बाजार में देखी जा रही है। यहाँ ग्राहक भरपूर संख्या में आ रहे हैं, वहीं खरीदारी भी लगातार की जा रही है। कुल मिलाकर दीपावली का बाजार काफी अच्छा बताया जा रहा है। कहीं भी मंदी का असर देखने को नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि GST से थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन इतना नहीं कि व्यापार नहीं चले। शुक्रवार को धनतेरस का पर्व धूमधाम से मन चुका है। इसी के साथ शनिवार को रूप चौदस की तैयारियां भी चल रही है। रविवार को दीपावली महोत्सव यानी कि महालक्ष्मी के पूजन का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। सोमवार को धोक पड़वा के साथ ही गोवर्धन पूजन का कार्य किया जाएगा। मंगलवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में PM नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा सांसदों की
2 अक्टूबर से गांधी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में हर सांसद को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पदयात्रा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें दमोह के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र दमोह की 8 विधानसभा क्षेत्रों में यात्राएं की, जिसमें गुरुवार को देवरी विधानसभा में गांधी संकल्प पदयात्रा के 5वें चरण के दौरान 13 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये पदयात्रा देवरी विधानसभा के ग्राम सुना के झीरिया खेड़ा से शुरू हुई, जो महाराजपुर के सिद्धधाम ग्राम पनारी में समाप्त हुई। गांधी संकल्प पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी से गांधी के सिद्धांतों पर चलने का संदेश दिया और पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वृक्षारोपण किया और स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान कपड़े के थैले वितरित कर पॉलीथिन मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया। यात्रा में तेजी सिंह राजपूत, अवनि मिश्रा, अनिल ढिमोले, युवा मोर्चा अध्यक्ष गोलू राजपूत, मुन्ना लोधी, अल्केश जैन, रविन्द्र बेस, प्रवीण पटेरिया, आनंद दीक्षित, महिला मोर्चा आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दोपहर न्यूज के लिए सागर से नीलेश कुमार की रिपोर्ट। अब जो ग्राम डोंगा से आपके द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पदयात्रा निकाली गई और जो 64 योगिनी में समापन किया गया, आपका क्या उद्देश्य था इस पदयात्रा को लेकर? उद्देश्य पदयात्राओं का सबका समान है। पहला है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को देश में समाप्त करना, तो जो फैला हुआ है उसको इकट्ठा करके या तो उसका रिसाइकल करो या फिर उसका निस्तारण करो, जलाएं या पहुंचाएं। दूसरा है कि आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाने का संकल्प लेना, वो ही ले सकता है जो खुद नशा ना करता हो, तब दूसरे को सलाह दे पाएगा। तीसरी बात है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना, ये काम भी कोई भी जनप्रतिनिधि हो या समाज का व्यक्ति हो जो जिम्मेदार है, अगर स्वयं भ्रष्ट नहीं होगा तो फिर ये बातें जोरदारी के साथ कह पाएगा या समाज भी तभी मानेगा जब उसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। मुझे लगता है ये सामाजिक उत्तरदायित्व है जो हर व्यक्ति को पूरा करने चाहिए। देपालपुर में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस से हो चुकी है। इसी के चलते बाजारों में रौनक बढ़ गई है। देपालपुर सहित शहर के कई बाहरी इलाकों में पटाखा दुकानें खुल गई है। पटाखा दुकानों पर सुरक्षा व सावधानी रखने को लेकर स्थानीय प्रशासन व पुलिस समझाइश दे रही है। इसी क्रम में क्षेत्रीय एसडीएम प्रतुल सिन्हा ने स्थानीय पटाखा व्यापारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया बच्चों के खेलने वाले बंदूक का टेस्टिंग नहीं किया जाए, टेस्टिंग करने से कई बार दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। पटाखा दुकानों के पास सुरक्षा संबंधित सारे संसाधन उपलब्ध हो रहे, अग्निशमन यंत्र, बालू रेती, पानी का टैंक मौके पर रखे जाए, बेहतर यातायात के लिए पार्किंग पर वाहन खड़े करें, पटाखा दुकानों को हाईटेंशन लाइट के नीचे नहीं लगाए, जहां भी ऐसी दुकानों को लाइसेंस मिला है वे तुरंत इसे दुरुस्त करवा ले, गोदाम से पटाखा आम लोगों को नहीं बेचे जाए, पटाखा दुकानों के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा तय की गई दूरी का पालन किया जाए, कहीं भी लापरवाही मिली तो दुकान संचालक पर कार्रवाई की जाएगी, दुकानों के पास किसी को भी आतिशबाजी नहीं करने दे, यहां तक कि स्मोकिंग भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ नया जोश भी दे गई। इस जीत का जश्न जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस ही मना रहे हैं, वहीं इंदौर के वार्ड 49 के तिलक नगर क्षेत्र में युवाओं ने जश्न मनाकर क्षेत्र में विजय जुलूस निकाला, जिसमें युवाओं के साथ महिलाएं, बुजुर्ग और सैकड़ों क्षेत्रीय रहवासी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंदौर शहर यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अंकित दुबे के नेतृत्व में आयोजित झाबुआ उपचुनाव विजय जश्न का विजय जुलूस तिलक नगर, संविद नगर, साईनाथ कॉलोनी, ग्वाल टोली, महावीर नगर, वंदना नगर सहित कई क्षेत्रों में निकाला गया। आतिशबाजी के साथ मिठाई भी खिलाकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के बीच बताया गया। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए दोपहर। लोकप्रिय कर्मठ, जुझारू व जनजन के हितेशी युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय की ओर से आप सभी प्रदेश और देशवासियों को दीपावली दीपोत्सव महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता आकाश विजयवर्गीय मित्र मंडल इंदौर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, इंदौर शहर के समस्त माता बहन और भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षत्रिय मराठा नौनमान सेना, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी देशवासियों को, इंदौर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नाइक आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि जिस तरह लाखों दिए जगमगाते हैं उसी तरह आपका जीवन भी हमेशा जगमगाता रहे। धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे शहर को, इंदौर शहर को, पूरे भारत देश में देश को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व, भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे थे वनवास से, उस उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यही महाकाल विजय भांगुटे के हम लोगों का पूरा परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली दीपोत्सव पर्व की सभी शहरवासियों को, सम्मानी ग्राहकों को, इष्ट मित्रों को, विनायक ज्वेलर्स परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक। शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना, हमारे ग्राहकों को, हमारे सारे इष्ट मित्रों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। प्लास्टिक के कारण जो नुकसान हो रहा है, प्लास्टिक करीब करीब सभी लोगों को बंद कर देना चाहिए, लेने से ही मना कर देना चाहिए। हमारे यहाँ तो कोई कस्टमर भी आता है तो प्लास्टिक का यदि उसके हाथ में कुछ रहता है तो हम उसको बोलते भैया इसको बाहर रख, हमसे दूसरा झोला लेके जाओ, हम हमारे पास से फ्री उसको झोला देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ग्राहकों को उपहार में कूपन दिए जाएंगे, उस कूपन में बड़े बड़े इनाम रहते हैं। मेरा नाम है बनवारीलाल सोनी, विवेक ज्वेलर्स, नंदा नगर। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को पीएससी में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-93-0003। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित जितेंद्र पाठक और आप देख रहे हैं हमारा दैनिक राशिफल। आज शनिवार का आपको राशि का हाल तथा ग्रहों की चाल बता देते हैं। मेष राशि वालों, सुबह से ही मन खराब हो सकता है, दिन भर कार्य का बोझ और तनाव देगा। तनाव से बचने हेतु, शांति हेतु मंत्र जाप आप करें, दान तथा व्रत करें। दोस्तों बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आज आप कार्य में व्यस्त रहेंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में सुरक्षा का ध्यान रखें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, सफेद चीज़ों का दान करें, ध्यान आदि लगाएं। और दोस्तों आज आपको बता देते हैं मिथुन राशि का हाल। मिथुन राशि वालों, आज स्वास्थ्य के जरिए से दिन ठीक नहीं बीतेगा, ब्लड प्रेशर के कारण कार्य समय पर नहीं होगा। उपाय आपको करना है दोस्तों, राहु के मंत्रों का जाप करके दिन की शुरुआत करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें। और दोस्तों बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, ऋण मुक्ति के प्रयासों में सफलता, प्रतियोगिता, परीक्षा या साक्षात्कार में मनचाही सफलता, बौद्धिक कुशलता के सम्मान की प्राप्ति होगी, विवाद से धन हानि होगी। शनि के उपाय की बात करें तो दोस्तों ओम सन शनिश्चराय नमः की एक माला जाप करके दिन की शुरुआत करें, भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक करें, उड़द या तेल का दान करें। बात करें सिंह राशि की, आज रिश्ता तय होने जैसे कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे, परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, इन्फेक्शन के कारण कष्ट, मंगल के दोषों की निवृत्ति के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः का एक माला जाप करें, हनुमान जी की उपासना करें, मसूर की दाल, गुड़ दान करें। दोस्तों बात करते हैं कन्या राशि की। नए प्रोजेक्ट में लीडरशिप की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवस्थित तौर पर पूरा होगा, संतान के अध्ययन की चिंता, गुरु का उपाय करें, ओम गुम गुरवे नमः का जाप करें, मीठे पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें तथा दान करें, साई बाबा का दर्शन करें। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, नवीन वाहन या वस्त्र की प्राप्ति,
घरेलू सुखों में वृद्धि, लीवर में कष्ट होगा। चंद्रमा कृत दोषों की निवृत्ति के लिए ओम श्राम श्रीम सह चंद्रमसी नमः का जाप करें और दूध चावल का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, धूप दीप जलाएं। वृश्चिक राशि की बात करें दोस्तों, कार्य क्षेत्र में अधिकार में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सूर्य का उपाय, प्रातः स्नान के उपरांत सूर्य को जल, लाल पुष्प, शकर मिलाकर अर्घ देते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें, गुड़ और गेहूं का दान करें। बात करते हैं धनु राशि की दोस्तों, शिक्षा से संबंधित यात्रा में लाभ, यात्रा के दौरान हाथ या कंधे में चोट, मंगल का उपाय ओम अम अंगारकाय नमः का जप करें, हनुमान जी की उपासना करें, मसूर की दाल और गुड़ का दान करें। बात करते हैं मकर राशि की, लगन की थोड़ी सी कमी से सफलता प्राप्ति में चूक होगी, परिवार में तनाव का माहौल रहेगा, धन हानि से तनाव। बृहस्पति के निम्न उपाय आजमाएं, ओम गुरुवे नमः का जाप करें, पीली वस्तुओं का दान करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें। कुंभ राशि की बात करें दोस्तों, पारिवारिक उत्सव से शामिल होने हेतु छोटी यात्रा, आज का दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ होगा। शुक्र जनित तनाव से निवारण के लिए ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें, मां महामाया के दर्शन करें, चावल दूध दही से आप दान करें। मीन राशि की बात करें, संतान के स्वास्थ्य से कष्ट, अध्ययन में बाधा से तनाव, पड़ोसियों से विवाद, चंद्रमा का उपाय करें, ओम श्राम श्रीम सह चंद्रमसी नमः का जाप करें, दूध चावल का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, धूप तथा दीप जलाएं, रुद्र अभिषेक करें। तो दोस्तों ये जो था आज का आपका दैनिक राशिफल, आज जिन लोगों का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपका दिन शुभ हो। आप हमारे YouTube चैनल युवा संत पंडित जितेंद्र पाठक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। इंदौर शहर की सफाई व्यवस्था को देख मुंबई के परिवार ने इंदौर की महापौर को बधाई दी है, साथ ही कहा है कि इंदौर शहर चौथी बार भी देश में स्वच्छता में नंबर वन आएगा। इंदौर की सफाई देखने पहुंचा मुंबई का एक परिवार। राजवाड़ा पहुंचे इस परिवार ने कहा कि जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा सफाई दिखाई दी इंदौर में। मुंबई के इस मुस्लिम परिवार ने कहा कि इंदौर की दीपावली देखने की काफी समय से इच्छा थी, इस बार ये इच्छा पूरी होगी। इस परिवार ने महापौर श्रीमती मालिनी गौड से भेंट कर चौथी बार स्वच्छता में नंबर वन आने की शुभकामना दी। इंदौर में हुए महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक घोटाले के मामले में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान है कि उनका पुत्र निर्दोष है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मेरा विश्वास मेरे बेटे पर नहीं आएगी कोई आंच। साथ ही कहा सरकार को खोलने दो फाइलें, कई बार हो चुकी है जांच। महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक के हितग्राहियों को सबसे पहले हमने दिलवाए थे 1-1 लाख। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले में सुमित्रा महाजन के बेटे मिलिंद महाजन पर लगे थे गड़बड़ी के आरोप। एक और, राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली मनाने के लिए समय से पूर्व वेतन दिए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं इंदौर जिले के अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को सरकार से मिलने वाली एरियर राशि और वेतन नहीं मिल पाया है, इसके चलते नौबत भीख मांगने पर आ पहुंची है। अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों ने रिगल चौराहा पर मानव श्रृंखला बनाई और भीख मांगी। अनुदान प्राप्त विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएस यादव और संरक्षक राजाराम बोरासी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एरियर राशि का अलॉटमेंट 1 माह पूर्व कर दिया गया था, लेकिन इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते उन्हें अब तक एरियर और वेतन राशि नहीं मिली है। जहां एक ओर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को अच्छी तरह दीपावली मनाने के लिए 25 अक्टूबर को वेतन देने के आदेश दिए हैं, वहीं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को एरियर और कई माह पूर्व की वेतन राशि ही नहीं मिल पा रही है, इसके चलते शिक्षक काली दिवाली मनाने को मजबूर है। शिक्षकों ने कहा कि आज भीख मांगने से मिली 519 रुपये की राशि कल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों को भेंट करेंगे। धनतेरस के दिन दीपावली का जो त्यौहार है उसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। काली दिवाली हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के कर कमलों द्वारा मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आज 2 माह पहले हमारी राशि आ चुकी है। हम सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उनकी राशि का आवंटन इनके जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कल तक नहीं आने के कारण आज हमको ये धनतेरस के दिन दीपावली मनाने के लिए हम लोग ने पहले मांगा था, शासन ने भी अपनी राशि दे दी थी, लेकिन आज क्या है कि बड़े दुख की बात है कि हम अपनी जो दिवाली है 3 दिन राशि नहीं मिलने के कारण हमको काली दिवाली मनाने का बड़ा दुख है कि सरकार ने तो अग्रिम वेतन देने की राशि दे दी है,
अलॉटमेंट दे दिया, लेकिन हमको अक्टूबर का वेतन तो बात की बात है। हमारा दो माह पहले आया हुआ राशि जो है उसका ही भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नहीं होने के कारण हम आज काली दिवाली मनाने का प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। लोकप्रिय कर्मठ जुझारू व जनजन के हितेशी युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय की ओर से आप सभी प्रदेश और देशवासियों को दीपावली दीपोत्सव महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता आकाश विजयवर्गीय मित्र मंडल इंदौर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, इंदौर शहर के समस्त माता बहन और भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षत्रिय मराठा नौनमान सेना मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी देशवासियों को, इंदौर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नाइक आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि जिस तरह लाखों दिए जगमगाते हैं उसी तरह आपका जीवन भी हमेशा जगमगाता रहे। धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे शहर को, इंदौर शहर को, पूरे भारत देश को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। दीपावली का पर्व, भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे थे वनवास से, उस उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यही महाकाल विजय भांगुटे के हम लोगों का पूरा परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना। दीपावली दीपोत्सव पर्व की सभी शहरवासियों को, सम्मानी ग्राहकों को, इष्ट मित्रों को, विनायक ज्वेलर्स परिवार की ओर से हार्दिक। शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना, हमारे ग्राहकों को, हमारे सारे इष्ट मित्रों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। प्लास्टिक के कारण जो नुकसान हो रहा है, प्लास्टिक करीब करीब सभी लोगों को बंद कर देना चाहिए, लेने से ही मना कर देना चाहिए। हमारे यहाँ तो कोई कस्टमर भी आता है तो प्लास्टिक का यदि उसके हाथ में कुछ रहता है तो हम उसको बोलते भैया इसको बाहर रख, हमसे दूसरा झोला लेके जाओ, हम हमारे पास से फ्री उसको झोला देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ग्राहकों को उपहार में कूपन दिए जाएंगे, उस कूपन में बड़े बड़े इनाम रहते हैं। मेरा नाम है बनवारी लाल सोनी, विवेक ज्वेलर्स, नंदा नगर। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें 888-9300-73।